मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व शराब की बिक्री के बाद मिलता है, लेकिन सरकार से ज्यादा राजस्व शराब माफिया कमाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये खुलासा किया है जबलपुर में एक शराबी ने। देखिए TV24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जबलपुर जिले की ये है अंग्रेजी शराब की दुकानें। इन सभी शराब दुकानों में खुलेआम लूट की जा रही है। इन शराब दुकानों में जो तय मापदंड हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं अपनाए जाते और न ही इन दुकानों पर कोई शराब के मूल्य की कोई लिस्ट चस्पा की गई है। न ही शराब प्रेमियों को कोई भी बिल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो शराब प्रेमी ऑनलाइन शराब का मूल्य मोबाइल से ट्रांसफर करते हैं, वह पैसा शराब दुकान या शराब ठेकेदार के खाते में नहीं जाता बल्कि किसी अन्य के नाम से चला जाता है। शराब प्रेमी बताते हैं कि जो शराब की बोतलों में दाम डले हुए हैं, उस दाम से भी अधिक दुकानदार हमसे वसूलते हैं। यार, शराब लिया तो रेट से ज्यादा वो दे रहे शराब। मैंने उनसे बात की, एक तो क्या है, गंडागर्दी दिखाते हैं ये लोग। बहस की, मैंने कहा रेट लिस्ट कहाँ है। रेट लिस्ट बोले फट गई है, शासन के आदेश हैं। ये कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी जिनको लेके, तो शासन ने निर्देश दिया था कि रेट लिस्ट लगाएं, लेकिन संभवतः अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं इस कारण से कि शायद, और उनका भी कहना है, कर्मचारियों का भी, जो मेरी बहस हुई कि भाई हमें भी तो देना पड़ता है ऊपर नीचे अधिकारियों को, सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र निखारे का भी कहना है कि हम जल्द ही इस मामले पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मदिरा प्रेमियों के साथ हो रही इस लूट से राहत दिलवाने का काम करेंगे। ये मध्य प्रदेश में शराब की अवैध वसूली क्यों हो रही, जितने की शराब है उससे ज्यादा पैसा क्यों लीजिए रहे। अरे साहब, इसके लिए पूरा शासन, नेता, अधिकारी सब जिम्मेदार हैं, सबके शेयर्स हैं, जो बोले वो गोली खाए। हमें तो इसलिए किसी के, हम वकील इंसान है, हमको शराब कभी हमारे ने छू ही नहीं है, पर हमारे पास ढेर सारे क्लाइंट है, 300 की शराब ली, 500 रुपए ले लिए, सब हमने देखा उनको, उनने मोबाइल पे पेट किए, तो जिस दुकान से शराब से ली उस दुकान का नंबर ही नहीं आ रहा है, नाम ही नहीं आ रहा, किसी और ढाबे का नाम आ रहा है। बहरहाल, जिम्मेदार अधिकारियों की कब और कैसे बंद आंखें खुलती हैं और कब शराब प्रेमियों के साथ हो रही खुलेआम लूट पर लगाम लगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। TV24 के लिए जबलपुर संवाददाता की रिपोर्ट।